महात्मा गांधी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने जिंदगी भर भारत को आज़ादी दिलाने के लिए संघर्ष किया। महात्मा गांधी एक ऐसे महापुरुष थे जो प्राचीन काल से भारतीयों के दिल में रह रहे हैं। भारत का हर एक व्यक्ति और बच्चा बच्चा उन्हें बापू और राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आज मैं एक महात्मा गांधी पर आपको निबंध बताने जा रहा हूँ और आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगा। महात्मा गांधी अपने अतुल्य योगदान के लिए ज़्यादातर राष्ट्रपिता और बापू के नाम से जाने जाते हैं। वे एक ऐसे महापुरुष थे जो अहिंसा और सामाजिक एकता पर विश्वास करते थे। उन्होंने भारत में ग्रामीण भागों के सामाजिक विकास के लिए आवाज़ उठाई। उन्होंने भारतीयों को स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के लिए भी प्रेरित किया। बहुत से सामाजिक मुद्दों पर भी उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई। वे भारतीय संस्कृति से अछूत और भेदभाव की परंपरा को भी नष्ट करना चाहते थे। बाद में वे भारतीय स्वतंत्रता अभियान में शामिल होकर संघर्ष करने लगे। भारतीय इतिहास में वे एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने भारतीयों की आज़ादी के सपने को सच्चाई में बदला था। आज भी लोग उन्हें एक महान और अतुल्य कार्यों के लिए जानते हैं। आज भी लोगों को उनके जीवन की मिसाल दी जाती है। वे जन्म से ही सत्य और अहिंसावादी नहीं थे बल्कि उन्होंने अपने आप को अहिंसावादी बनाया था। राजा हरिश्चंद्र के जीवन का उन पर काफ़ी प्रभाव भी पड़ा। स्कूल के बाद उन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई इंग्लैंड से पूरी की और वकीली के पेशे की शुरुआत की। अपने जीवन में उन्होंने काफ़ी मुसीबतों का भी सामना किया लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और वे हमेशा आगे बढ़ते रहे। उन्होंने काफ़ी अभियानों की शुरुआत की जैसे 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में नगरी अवज्ञा अभियान और अंत में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। और उनके द्वारा किए गए ये सभी आंदोलन भारत को आज़ादी दिलाने में कारगर साबित हुए। अंततः उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में अपने पुरजोर प्रयासों के बावजूद अपने संघर्ष को जारी रखा और उनके द्वारा किए गए संघर्षों की बदौलत भारत को ब्रिटिश राज से आज़ादी मिल ही गई। महात्मा गांधी का जीवन काफ़ी साधारण भी था। वे रंग भेद और जाति भेद को मानते ही नहीं थे। उन्होंने भारतीय समाज से अछूत की परंपरा को नष्ट करने के लिए काफ़ी प्रयास भी किए और इसके चलते उन्होंने अछूतों को हरिजन का नाम भी दिया था जिसका अर्थ भगवान के लोग थे। महात्मा गांधी एक महान समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे और भारत को आज़ादी दिलाना ही उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। उन्होंने काफ़ी भारतीयों को प्रेरित भी किया और उनका विश्वास था कि इस इंसान को साधारण जीवन जीना ही चाहिए और स्वावलंबी होना चाहिए। गांधी जी विदेशी वस्तुओं के खिलाफ थे इसलिए वे भारत में स्वदेशी वस्तुओं को प्राधान्य देते थे। इतना ही नहीं बल्कि वे खुद चरखा चलाते थे। वे भारत में खेती का और स्वदेशी वस्तुओं का विस्तार करना चाहते थे। वे एक आध्यात्मिक पुरुष थे और भारतीय राजनीति में आध्यात्मिकता को बढ़ावा देते थे। महात्मा गांधी का देश के लिए किया गया अहिंसात्मक संघर्ष कभी भुलाया भी नहीं जा सकता। उन्होंने पूरा जीवन देश को स्वतंत्रता दिलाने में व्यतीत किया और देश सेवा करते करते ही 30 जनवरी 1948 को इस महात्मा की मृत्यु हो गई और राजघाट दिल्ली में लाखों समर्थकों की हाजिरी में उनका अंतिम संस्कार किया गया। आज भारत में 30 जनवरी को उनकी याद में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। भविष्य में क्या होगा यह मैं कभी नहीं सोचना चाहता। मुझे बस वर्तमान की चिंता है। भगवान ने मुझे आने वाले क्षणों पर कोई नियंत्रण नहीं दिया है, ऐसा महात्मा गांधी जी का कहना था। दोस्तों ये था महात्मा गांधी के ऊपर एक ऐसे। आई होप 2 अक्टूबर आ रहा है और आपको ऐसे ज़रूर पसंद आया होगा। इससे आपको कुछ स्पीच वगैरह अगर तैयार करनी हो तो काफ़ी हेल्पफुल है ये। एंड प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को विजिट कीजिए। आपको काफ़ी अच्छी अच्छी और इंस्पायरेशनल, हिस्टोरिकल और बहुत तरह की मिस्टीरियस वीडियोज़ मेरे चैनल पर मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो में बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।